आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पहली क्लास कंडक्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, और इसमें हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथड की। तो पहले ही क्लास में मैं सिलेक्शन मेथड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। तो जी आप भी ध्यान रखिएगा कि इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास जो भी डेटा या कुछ भी हम करते हैं एक्सेल के ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन। मान लीजिए उस डेटा को कॉपी करना है, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है, इस पे चार्ट लगाना है, पिवट लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो फर्स्ट नीड टू सिलेक्ट। विदाउट सिलेक्शन ना वीबीए के थ्रू ना एक्सेल के थ्रू कुछ नहीं कर सकते। सो सिलेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम पहले आपको यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना सिखाएंगे कि हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा। तो जनरली सिलेक्शन के कई सारे रूल है, हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें आपको आती हो और कुछ चीजें ना आती हो, तो चलिए उस कुछ चीजों को देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड सिलेक्शन की, उसके बाद हम आएंगे माउस सिलेक्शन की। जैसे आपको सिलेक्ट करना है तो एक तो मैनुअल सिलेक्शन की शिफ्ट के साथ एरो की के इस्तेमाल करें और आप सिलेक्ट करते चले। दूसरा होता है एक्सप्रेस सिलेक्शन, मतलब कि मान लीजिए मुझे कर्सर यहां से डायरेक्ट नीचे लेके आना है, तो इसके लिए हम यहाँ से कंट्रोल के साथ पेज डाउन, सॉरी क्या बोलते हैं, डाउन एरो प्रेस करेंगे सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट का मतलब हुआ कि सीरीज होता है, जैसे कि अब यहाँ पे ब्लैंक है, अब मैं यहाँ पे पेज डाउन इस पे कंट्रोल के साथ अगर मैं एरो डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो सबसे लास्ट में चला जाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच में कहीं भी किसी तरह का टाइप नहीं है। तो सीरीज चलता है कि जब ब्लैंक की सीरीज है तो जहां ब्लैंक की सीरीज ब्रेक हो रही है वहीं पे जाके रुकेगा। फिल की सीरीज है, जैसे कि फिल है, डेटा फिल है, फिल की सीरीज जहां ब्रेक हो रही है, कहां ब्रेक हो रही है, यहां पे ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे सीधे नीचे आ जाए। अगर यहाँ पे मैं नीचे यहाँ ब्लैंक कर दिया तो ये यहीं पे आके रुक जाएगा। तो अगर आपको सिलेक्शन के साथ चाहिए तो कंट्रोल और शिफ्ट, ध्यान रखिएगा कंट्रोल और शिफ्ट का इस्तेमाल करें और फिर नीचे तक आ जाए। एक मैंने एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है, हाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, उसमें आपको दिख जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अगर मान लीजिए मुझे यहां पे आना है, देखिए कंट्रोल प्रेस किया एंड डाउन एरो प्रेस करूंगा तो कर्सर मेरा नीचे जाएगा। कंट्रोल के साथ, अगर कंट्रोल के साथ मैं अप यूज किया तो ऊपर आएगा, डाउन एरो नीचे आएगा। इसी में शिफ्ट प्रेस कर लिया तो कंट्रोल शिफ्ट कर दिया, अब डाउन एरो करूंगा तो डाउन में आएगा, राइट राइट में आएगा, अप में जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट में जाएगा। ये विद सिलेक्शन लगी जाए। तो अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो डाउन करोगे तो डेटा आपका सिलेक्ट हो जाए। लेकिन इसमें हम जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। जी हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं। उससे पहले हम कर्सर रखते हैं कंट्रोल और ए, यहाँ डेटा सिलेक्ट हो जाता है। तो अब डेटा जो सिलेक्ट हुआ, इसमें एक चीज और भी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कुछ फालतू का डेटा रखा है, यहाँ कुछ फालतू का डेटा रखा है, यहाँ फालतू का डेटा रखा है, तो कंट्रोल के साथ अगर आप यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं कर्सर रखा और कंट्रोल के साथ अगर मैंने ए यूज किया तो पूरा डेटा सिलेक्ट होगा, ए भी सिलेक्ट हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए हम लोग कर्सर यहाँ पे देते हैं और फिर कंट्रोल के साथ राइट एरो, राइट एरो करते हैं, कंट्रोल और फिर राइट एरो। तो, कंट्रोल शिफ्ट, हाँ कंट्रोल शिफ्ट, राइट एरो एंड फिर डायरो। ठीक है, तो डेटा आपका सिलेक्ट होता है।
कंट्रोल ए आप करते हैं, एक बार कंट्रोल ए करेंगे तो आपका करियर रीजन सिलेक्ट होगा, ये आपका जो होम मेनू बार होता है उसी में फाइनल सिलेक्ट के अंदर में हमारे पास गो टू स्पेशल होता है, उसी के अंदर आप देखेंगे तो आपका होता है करेंट रीजन, ये आपका कंट्रोल ए का काम करता है। अब एक बार कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो आपका कंट्रोल बी आता है, मतलब करेंट रीजन मतलब कि जो यूज्ड डेटा है, यूज्ड सेल है वो आपका सिलेक्ट होता है। अगर आप दो बार करते हैं तो दो बार में क्या होता है, पूरी की पूरी डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है, पूरी सीट। अब पूरी सीट को माउस से सेलेक्ट करने के लिए यहां पे क्लिक कर सकते हैं, आपका पूरा सिलेक्ट हो जाए। अब इसमें अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें एक चीज और भी है, जैसे माउस के सिलेक्शन की बात करें तो एक तरीका आपने इस पे क्लिक किया और इस तरह से आप करेंगे तो आपकी डेटा सिलेक्ट हो जाता है माउस, माने आपने क्लिक किया, क्लिक होल्ड रखते हुए आप उसको ड्रैग ना करेंगे कर्सर सिलेक्ट हो जाता है। उससे बेटर है कि आप स्टार्टिंग को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में सिलेक्ट करें, ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में सिलेक्ट किया, ठीक है, डेटा आपका पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो कोच जी, राजीव रंजन जी एंड विजय जी, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जी जी सर, समझ में आ रहा है जी, आ रहा है, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। सर एक डाउट है, एक मिनट, कुछ क्या डाउट है? मान लीजिए जो मेरे पास ये भाई सीरीज में एक रो है, जो रो है वो सीरीज में है, सब में डाटा रखा हुआ है, अगर मैं बीच में एक अगर मेरा ब्लैंक सेल है, मैं उसको ओवरकम करके आगे जाना चाहता हूँ तो देखिए उसके लिए क्या है कि अगर आप सिर्फ बता दो, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट से नीचे आते हैं तो दिक्कत हो जाता है, दिक्कत हो गया, पर कंट्रोल ए करते हैं तो ब्लैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसको पूरी की पूरी रो ब्लैंक नहीं मिलनी चाहिए। अगर पूरी की रो ब्लैंक हो गया ना, अब आपका कंट्रोल ए जो है करेंट रीजन ऊपर तक ही सिलेक्ट करेगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन पूरी रो ब्लैंक नहीं है, किसी एक कॉलम का रो ब्लैंक है पर दूसरे कॉलम में है, तो आपका कंट्रोल ए कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। दूसरा इनमें से किसी कॉलम को करना है तो पूरी कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम पे क्लिक कर ले, पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी, नहीं मुझे डेटा पर सिलेक्ट करना है क्लिक करें स्टार्टिंग में और शिफ्ट के साथ एंड में क्लिक कर दें सेलेक्ट हो जाएगा। बट कीबोर्ड से चाहते हैं आप तो आप कंट्रोल शिफ्ट आपने एक बार किया, एक बार और कर दीजिए, इसलिए आपको तीन बार प्रेस करना पड़ेगा। ओके, अगर मेरा ये जैसे मेरे पास एक ही ब्लैंक है, अगर मेरे साथ उसमें 10 या 20 ब्लैंक रहेंगे बीच बीच में, उतना बार जाना पड़ेगा आपको। दो तरीके सिंपल, आप इस पे देखिए, अगर ऐसा बात है तो तीन तरीका है, खाए तो आप कंट्रोल ए कर ले, राइट, और कंट्रोल ए में आपका पूरा डेटा सिलेक्ट होगा। दूसरी चीज आप ऊपर सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक कर दें तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इस पे आप कंट्रोल शिफ्ट और जब तक आपका डेटा ना आए तब तक प्रेस कर देते हैं, ओके, ठीक है जी जी, क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। तो माउस की सिलेक्शन भी समझ लिए और कीबोर्ड की सिलेक्शन भी समझ गया जी जी। अब हम बात करते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इसमें से कुछ कुछ चाहिए तो आप इसको कंट्रोल के साथ जहां मर्जी वहां क्लिक कर सकते हैं, वहां आप उसको यूज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो मल्टीपल सेल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, आप फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट आप चाहते हैं किसी का डेटा कॉपी कर लें, उसको कॉपी नहीं है। क्यों भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिक्वेंस नहीं है। कॉपी करने के लिए बोला जाता है कि अगर आपने ये तीन सिलेक्ट कर लिया, राइट, तो कंट्रोल से ये चार कॉलम सिलेक्ट है ना ए बी सी डी, तो आपको नीचे भी ए बी सी डी ही सिलेक्ट करना है, यहां पे ए बी सी डी ही सिलेक्ट करना है, तब इसको आप कॉपी कर सकते। तो यहां पर मान लीजिए कि मैंने यहां ए किया है, सी किया है और ई किया है, सॉरी
ए किया है, सी किया है, ई किया है और डी कर लिया। तो नीचे भी मुझे ए करना होगा, सी करना होगा, ई करना होगा और जी करना होगा, तब जाके दोनों सेलेक्ट होगा, समझ गए, और कॉपी होगा। दूसरा कि मुझे सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए, तो आप एक ही कॉलम में जैसे एक ही रो का डेटा चाहिए जैसे मर्जी सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। या फिर मुझे एक ही कॉलम का डेटा चाहिए जैसा मर्जी ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल पेस्ट करके और उसको कॉपी कर सकते हो। लेकिन मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम में चल रहे हैं आप, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर मैंने तीन कॉलम यहाँ सेलेक्ट किया, एक रो यहाँ सेलेक्ट किया, तो मुझे अगर नीचे सेवन रो का डेटा चाहिए तो मुझे इसको तीन और एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने ऊपर में दो यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ ले लिया और मैं इसको लेके कॉपी कर लू, ऐसा कॉपी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप कॉपी करते भी, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अनसिक्वेंसली कहीं कहीं से कॉपी किया हुआ, अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे सिक्वेंसली आएगा, ओके। तो मल्टी सेल सिलेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया? विजय जी, तो भी आ गया? हाँ जी आ गया, हाँ जी आ चुका है। मल्टी सेल सिलेक्शन में दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं वो नहीं है। तो जी आपको? हाँ नहीं कुछ नहीं। राजीव रंजन जी? जी जी सर, क्लियर है सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमें ऑफिस में काफी ज्यादा सहूलियत पैदा करता है, क्योंकि मुझे एक बार दिक्कत हो गई थी तो हुआ। अब ये तो हो गया हमारा मल्टी सेल सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं मल्टी सीट सिलेक्शन। अब यहाँ पे मेरे पास कई सारे सीट्स हैं, राइट सर। अब मुझे, अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे डेट लिखा और डेट यहां दिया। अब मुझे इसी डेट को यहां भी, यहां भी चाहिए और यहां भी चाहिए और यहां भी चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे कि डेट लिखने से पहले हमें जिस जिस सीट पे चाहिए, माने पूरे सीट पे चाहिए, तो हम सीट के साथ सिलेक्ट करेंगे लास्ट में। फर्स्ट पे एक्टिव किया और सीट के साथ लास्ट पे क्लिक किया। मैं दोबारा दिखाता हूं, मैंने फर्स्ट सीट पे क्लिक किया और सीट के साथ लास्ट सीट पे क्लिक। अब मैं किसी भी सीट पे किसी भी तरह की टाइप करूं तो ये दिखते यहाँ पे ग्रुप हो चुका है, तो सब पे परफॉर्म करें। जैसे मैंने यहाँ पे डेट लिखा और मैंने यहाँ पे टुडे लिखा, टुडे का फॉर्मूला या टुडे का डेट लिख दिया। अब देखेंगे कि सीट टू पे भी सेम टाइम पे, सीट थ्री पे, सीट फोर पे, सीट फाइव पे। अब एक चीज और है कि आप देख रहे सीट यहाँ पे सीट थ्री और सीट फोर ऐसा है, तो क्या हम इसको बड़ा करें तो क्या हर सीट बड़ा होगा? जी हाँ, अर्जित बड़ा हो गया। तो हम जब सीट सिलेक्ट कर लिए तो जिस किसी भी सीट में हम जहां पे जो एक्शन करेंगे, जो भी टाइप करेंगे या कॉपी करेंगे या फिर उसके ऊपर जो भी कुछ भी करेंगे वो हर सीट पे इफेक्टिव होगा, लेकिन सेम लोकेशन। जैसे कि यहां पे देखिए ए वन और बी वन पे है, तो सीट टू के अंदर भी आपका ए वन और बी वन है, शीट थ्री के अंदर भी आपका ए वन और बी वन है, एंड शीट फोर में भी आपका ए वन एंड बी वन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तो पूरा सीट करना पड़ा, बट मुझे पर्टिकुलर कुछ सीट पे चाहिए। तो आप शिफ्ट यूज करते हैं कंटिन्यूअस सिलेक्शन के लिए और कंट्रोल यूज करते हैं मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, चाहे वो सेल हो, फाइल हो या शीट हो। जैसे कि मुझे सीट वन, चाहिए, सीट थ्री चाहिए, सीट फाइव चाहिए। अब मैं यहाँ पे फोर नंबर पे टाइम लिख रहा हूं और यहाँ पे टाइम दे रहा हूं, टाइम लिखा। तो अब जहां था हमने सीट वन पे लिखा, देखिए सीट टू पे टाइम नहीं है बट सीट थ्री पे है, सीट फोर सिलेक्टेड नहीं था, सीट फाइव पे। तो मल्टी सीट सिलेक्शन होता है, तो एक साथ सारे सीट को सिलेक्ट करके चाहो आप डिलीट करना तो डिलीट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सीट होना चाहिए, तो सीट को सिलेक्ट करके आप एक साथ डिलीट कर सकते हो, एक साथ रिनेम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि रिनेम कोई आपका एक ही सीट हुआ, एक बार में एक ही नाम रिनेम हुआ।
बट इसकी जो बैकग्राउंड कलर है या हाइड है या अनहाइड है या फिर आप किस और चीजें भी कर सकते ये अनग्रुप कर देंगे तो मान लीजिए कभी आपने पूरा सिलेक्ट कर लिया और आपका सीट जो है अनग्रुप नहीं हो रहा है, देख रहे अनग्रुप नहीं हो रहा है, अनग्रुप नहीं हो रहा ना सर। तो अनग्रुप करने का दो तरीका, एक तो आप राइट क्लिक करके अनग्रुप सीट कर सकते हैं, या दूसरा कि जो ग्रुप से बाहर है उस पे क्लिक कर। देखिए आपने सारी सीट को सिलेक्ट कर रखा है तो राइट क्लिक करके अनग्रुप करने की जरूरत नहीं है, किसी भी सीट पे क्लिक करोगे तो ग्रुप हट जाएगा। ये अनग्रुप करने वाला प्रॉब्लम कब होता है, जब आपने एक सीट या दो सीट छोड़ दिया है और उसके बाद आपने कई सारे मल्टीपल सीट सिलेक्ट किया है तो वहां पे अनग्रुप किसी सीट पे जाने से नहीं होगा। कैसे होगा, हाँ तो राइट क्लिक करके अनग्रुप करें या फिर जो ग्रुप से बाहर की सीट है उस पर क्लिक। राजीव रंजन जी, तोष जी एंड विजय जी, एनी डाउट? नो सर। हाँ सर, फिर सर एक बात बताइए सर, सर जैसे मान लीजिए कि मेरा शीट नंबर 5 पे सर मेरा कुछ डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, हाँ तो क्या वो सर तो मतलब कि जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा सब पे डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी होगा, आप सिलेक्ट करने के बाद जो कुछ करेंगे वो सारे शीट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने से पहले कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है समझ गया। मैं जैसे मुझे एक डाउट है, अगर मैं शिफ्ट मार दिया इसमें शिफ्ट लगा के मैं अभी उसमें टाइप कर सकता हूँ, मतलब शिफ्ट छोड़ के टाइप करना पड़ेगा मुझे कहाँ पे, जैसे मैं शीट 1 से लेके शीट 6 तक मैंने शिफ्ट पकड़ के कर दिया। हाँ सर एक मिनट, मेरा बॉस का थोड़ा फोन आ रहा है, 2 मिनट लेकर करने का मतलब है तो शिफ्ट पकड़ने के शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया उसके बाद आप नॉर्मल काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो सिलेक्शन हो गई सर, एक बार वो सिलेक्ट हो गई उसके बाद काम कर सकते हैं। ठीक है ओके सर। उसी तरह से आप फाइल की सिलेक्शन मान लीजिए करना है आपको, मैं कई सारे फाइल सिलेक्ट करना है मुझे, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, तो एक कंट्रोल के साथ हम कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ करेंगे तो पूरा एक साथ होगा, देख रहे हैं आपने, तो फाइल पे भी सेम लागू होता है। कंट्रोल से आप कुछ कर सकते हैं और आप ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप कंट्रोल ए कर सकते हैं, तो यहां भी सेम अप्लीकेबल होता है, राइट सर। तो डेटा सिलेक्शन का ये आपका तरीका है कि किस तरह से हम डेटा को सिलेक्ट करें। दूसरा आता है, जैसे हमने डेटा हमने आया, मुझे इसको मूव करना है तो इसको सिंपली उठा के आप मूव कर सकते, ठीक है। तो मूव क्या हुआ कि आपने उठा के मूव किया तो बी कॉलम को एस कॉलम था हमारा, ये रिप्लेस कर रहा है बी, समझ गए। यहां से उठा के हमने यहां रखा, हुआ क्या कि बी कॉलम के डेटा को उसने रिप्लेस मार दिया और हमारा ई कॉलम को खाली कर दिया सर। डेटा ए बी वाली डेटा कहाँ गई सर, रिप्लेस हो गया। ओके ओके, इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन है कि इसको आप कंट्रोल एक्स करें और फिर जब इसके ऊपर जाएंगे तो यहां पर आएगा इंसर्ट कट सेल, दिख रहा है आपको सर, या एंट्री प्रेस कर देंगे तो क्या होगा कि आपको मूव हो गया ना सर जी जी, तो यहां ऐड हो गया। ओके सर, एक मिनट में कलर कर देता हूं, तो हमने इसको और ये रहा कलर दे, इसको दूसरा कलर कर देता हूं। अब इसको हमने इसको यहां से उठाया, इसको कट किया, कॉलम करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एरिया नहीं, और फिर मैं इसमें कंट्रोल प्लस कर देता हूं, तो क्या हुआ कि शिफ्ट करके शिफ्ट हो गया सर। तो याद रखिएगा जब आप किसी को इस तरह से मूव करते हो तो इसका मतलब है कि वो रिप्लेस होगा, ठीक है। मैं आपको देख बता भी रहा है
तो उसे रिप्लेस कर right? लेकिन अगर आपको पूरी कॉलम मूव करनी है, अब मान लीजिए कि मुझे एक डेटा मूव करना है, तो इसको भी कॉपी करके आप जैसे मुझे मान लीजिए कि यहाँ मूव करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपको पूछेगा कि जो डेटा पहले से है उसको कहाँ शिफ्ट करना है, राइट में या डाउन में, समझ गए? तो राइट में कर दिया तो राइट में मूव हो जाएगा, और डाउन में करेगा तो नीचे, इसके नीचे डाल देगा। तो कंट्रोल माइनस या राइट क्लिक करके आप इंसर्ट डिलीट का होम का निभा सकते हैं, एंड कंट्रोल प्लस इंसर्ट का होम का निभा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन उस पर डिपेंड करती है। अब मान लीजिए कि मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो माउस से इस तरह सिलेक्ट कर, बट मैं कीबोर्ड सेलेक्ट करना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, और मुझे रो सेलेक्ट करना है तो वापस शिफ्ट के साथ स्पेस बार। अब एक कंफ्यूजन यहां पे और आ रही है कि मैं शॉर्टकट बताते जा रहा हूं और आप सुनते जा रहे हैं, ठीक है sir. आपको याद रहेगा इसमें? नो सर, जब तो प्रैक्टिस ना करें तो, लेकिन लिस्ट तो पहले होना चाहिए शॉर्टकट का। जी जी, तो शॉर्टकट के लिस्ट के लिए आपको चाहिए कि उसके एक लिस्ट मिले। तो आप लोगों के पास एक्सेल कौन सा है? 10 सर। और दोस्त जी? सर मैं ज्वाइन किया थोड़ा लेट में, जो भी मैंने एक दो चीज जरा चीज कवर नहीं किया है, एक दो चीज कवर किया है, वो रिकॉर्डिंग में चला गया है। जी जी, मेरे पास 10 है सर। और विजय जी आपके पास भी 10 है या दूसरा आया आपके पास? बस 2013 है। तो देखिए आपका सर्च यहाँ दिखेगा, सर्च में, या फिर आप F1 प्रेस करेंगे तो आपको एक्सेल हेल्प खुल के आएगा, ठीक है? अब इसपे जो है, अब आपको दो चीजें पढ़नी है। पहली चीज पढ़नी है शॉर्टकट, ठीक है? शॉर्टकट सिलेक्ट करते हैं तो यहां पे कीबोर्ड शॉर्टकट एंड फंक्शन की आपको दिखती है सर। जी आपका की बोल रहे हैं नहाए हो गया ये हमारा कीबोर्ड एंड फंक्शन की है। इसमें आपके सारे कीबोर्ड का यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट दिया हुआ। अब इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो क्या सर्च करना है? F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करने से आपकी एक्सेल हेल्प खुल के आएगी, और उस एक्सेल हेल्प पे आपको सर्च करना है शॉर्टकट, ठीक है? और दूसरा एक चीज और पढ़ना है, लिमिट। लिमिट में आपको सर्च करना है लिमिट, और यहां एक्सप्लिकेशंस एंड लिमिट दिखेगा, आपको इस लिमिट को, ठीक है? क्लियर सर? तो दो चीज आप पढ़ लीजिए, फिर कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे होम मेनू को। ठीक है सर? ठीक सर। ओके सर, नोटेड सर। शुरुआत में थोड़ा सा स्लो पढ़ाएंगे, इसलिए कि पढ़ने की आदत नहीं है। जी जी सर, थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी सर। प्रैक्टिस, हाँ, पढ़ने की हैबिट नहीं है, कॉलेज छोड़े हुए काफी टाइम हो चुका होगा आप लोगों को। सही बात है। अभी आपको एक बुक पढ़ने के लिए दे दी तो खा तो सर दर्द करेगा, नहीं तो नींद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो आप स्लोली चलते हैं, धीरे धीरे स्पीड बनाए। सही रहेगा सर, स्लोली थोड़ा सीखने को ही मिलेगा। हेलो
सर। ठीक है सर, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके।